हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पावर ग्रिड के शेयर के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि ये जो शेयर है अभी अप ट्रेंड बना रहा है या फिर डाउन ट्रेंड बना रहा है। अगर ये अप ट्रेंड बना रहा है तो कितने परसेंट तक का गेन किया है, और अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो कितने परसेंट से डाउन में चल रहा है। और गाइस, हम इसके पिछले दिन का भी सेंटिमेंट देखेंगे कि ये बुलिश था या फिर बेयरिश था। और गाइस, इसके हम नेक्स्ट डे का भी सेंटिमेंट देखेंगे कि अगले दिन का सेंटिमेंट क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है या फिर बियरिश हो सकता है। तो गाइस, अगर आप इसी तरह के वीडियोस हमेशा चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए गाइस, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नेक्स्ट डे का सेंटिमेंट क्या हो सकता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये 3 पॉइंट डिस्कस किया है। गाइस, नंबर फर्स्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट के कैंडल के साथ। और गाइस, नंबर सेकंड में मैंने फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस किया है गाइस, वो लेकिन 1 डे कैंडल के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उससे गाइस आपको क्लियर होगा नेक्स्ट डे का सेंटिमेंट। और ये अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप इस पे फोकस जरूर करें, आपको कुछ नया मिल सकता है, यानी कल का सिग्नल्स क्या हो सकता है इसमें ये देखेंगे। और गाइस, नंबर थर्ड में हम देखेंगे RSI और MACD को, गाइस ये आपको कन्फर्म करेगा सिग्नल्स। तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ गाइस ये सारे पॉइंट्स, तो आप वीडियो एंड तक बने रहें और कन्फर्म करें नेक्स्ट डे का सेंटिमेंट। तो मैंने आपके साथ ये सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली डिस्कस किया है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और साथ ही साथ गाइस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आप यहाँ पे फोकस, यानी कि इस चार्ट पे फोकस जरूर करें। मैंने 15 मिनट के कैंडल के साथ जो है पावर ग्रिड का चार्ट लगा रखा है। और गाइस, आप देख सकते हैं आज का सेंटिमेंट ये गाइस काफी डाउन ये दिख रहा है, ये शेयर -1.53% से डाउन में चल रहा है गाइस। इसने आज जो गैप अप ओपनिंग किया था, लेकिन उसके बाद का जो फर्स्ट कैंडल इसने बनाया है वो काफी बड़ा और बियरिश कैंडल बनाया गाइस। आप देख सकते हैं कितना नीचे तक ये शेयर आया है गाइस। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर भी गाइस आपको शेयर डाउन ही दिखा, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन फिर गाइस आपको कंसोलिडेशन भी देखने को इसमें काफी मिला है। और आप देख सकते हैं इसने लास्ट कैंडल गाइस, आप देख सकते हैं लास्ट के 1-2 कैंडल पहले ही इसने एक मोरोबुजू कैंडल वो भी बियरिश के आपके साथ प्रोवाइड किया। और गाइस यहाँ से कंफर्म करता है गाइस कि अगले दिन हो सकते हैं फिर से बियरिश कैंडल के चांसेस ज्यादा मिलते हैं, जो कि इसके बाद आप देख सकते हैं आपको एक बियरिश हैमर कैंडल और उसके बाद का फिर से एक बियरिश छोटा सा कैंडल आपको प्रोवाइड इसने कराया है। तो गाइस यहाँ से क्लियरली आपको ये बियरिश के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस, अगर इसके पिछले दिन का सेंटिमेंट देखें तो आप देख सकते हैं पिछले गाइस 2 दिनों से लगातार ये अप ट्रेंड बनाता चला आ रहा था गाइस। इसमें थोड़े बहुत आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली, यानी कि एक तरह से आप कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद का जो कैंडल आप देख सकते हैं, यानी कि कल का कैंडल गाइस, इसने भी काफी अप बना रखा था, लेकिन आज फिर से ये शेयर डाउन चला है। तो आइए गाइस CPR के चार्ट से देखते हैं नेक्स्ट डे का सेंटीमेंट। तो देखिए गाइस, इसने अपने सपोर्ट को आज अचीव किया CPR के चार्ट के अनुसार, जो सपोर्ट गाइस बन रहा था इसका, इसने इसको अचीव करने के बाद जो है आपको ट्रेंड रिवर्सल कवर किया रहा था गाइस, लेकिन फिर से इसने अपना सपोर्ट को अचीव किया है। और यहाँ से आपको गाइस थोड़े से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि छोटे छोटे बियरिश कैंडल मिल रहे हैं। अगर गाइस अगर इसको ये ब्रेक डाउन करके अगले दिन फिर से ये बियरिश कैंडल बनाता है, तो आप देख सकते हैं इसके सपोर्ट्स, यानी कि सेकंड गाइस, अगर ये बियरिश कैंडल बनाता है तो इसका टारगेट हो सकता है गाइस 230 का, और इसका सेकंड टारगेट हो सकता है आप देख सकते हैं 229 का। तो गाइस अगर ये बियरिश कैंडल बनाता है तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके टारगेट बताया बियरिश ट्रेंड के लिए गाइस। शॉर्ट सेलिंग के लिए 230 का फर्स्ट टारगेट और गाइस इसका 229 का इसका सेकंड टारगेट क्लियर हो रहा है। और गाइस अगर यहाँ से अप ट्रेंड बनाता है तो आप देख सकते हैं इसके टारगेट्स बन रहे हैं, इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है 235 का। तो गाइस जब तक ये टारगेट अपना ये ब्रेकआउट ना करे, तब तक आप इसमें बाइंग ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गाइस हो सकती है आपको 1-2 कैंडल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने आपको अगर अगले दिन बुलिश कैंडल प्रोवाइड किया, तो जब तक अपने टारगेट को ब्रेकआउट ना करे तब तक आप इसमें बाइंग ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा गाइस। तो आगे इसका सेकंड टारगेट में आपको क्लियर करूँ, तो इसका सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो आप देख सकते हैं 238, यानी कि 238 का, यानी कि 238 का इसका सेकंड टारगेट आपके सामने क्लियर हो रहा है। तो आइए गाइस 1 डे के कैंडल के साथ पता करते हैं कि इसके नेक्स्ट डे के सेंटीमेंट्स, यानी कि नेक्स्ट डे का सिग्नल्स क्या हो सकता है, बाई का हो सकता है या फिर शॉर्ट सेलिंग का हो सकता है। तो गाइस अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप यहाँ पे फोकस जरूर करें, और अगर इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो आप गाइस सिग्नल्स के लिए आप यहाँ पे फोकस जरूर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने 1 डे कैंडल के साथ जो है पावर ग्रिड का चार्ट लगा रखा है, और आप देख सकते हैं कि इसने अपने सपोर्ट को अचीव करने के बाद इसने आपको ट्रेंड रिवर्सल दिया था गाइस, और फिर से इसने आपको टारगेट अचीव करके फिर से आपको बियरिश का संकेत दिया, यानी कि
ट्रेंड रिवर्सल क्लियर किया है। तो गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट एंड फर्स्ट सपोर्ट के गाइज आपको फिर से बीच में ही कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है गाइज, लेकिन अभी अभी आपको बीयरिश कैंडल ही प्रोवाइड करा रहा है और ये जो शेयर है -1.53% से डाउन में चल रहा है। और गाइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा इसने कैंडल बना रखा है। तो गाइज अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो मैं आपको इसका सपोर्ट क्लियर करूँ। तो गाइज इसका सपोर्ट है फर्स्ट सपोर्ट जो 229 का इसने थोड़े दिन पहले ही अचीव किया था गाइज, आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 229 का। और गाइज अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसका सेकंड सपोर्ट जो बन रहा है वो 223 का बन रहा है। गाइज अगर ये इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो आप देख सकते हैं इसका जो थर्ड सपोर्ट बन रहा है वो 214 का क्लियर हो रहा है। तो गाइज इतना नीचे तो शेयर आना चाहिए, हो सकता है आपको फर्स्ट सपोर्ट अचीव करने के बाद फिर से इसमें आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकती है। अगर गाइज बाई चांस अगर ये यहीं से अगर बुलिश ट्रेंड बनाती है और अप ट्रेंड बनाते हुए आप देख सकते हैं अगर ऊपर की ओर तरफ जाती है तो आप देख सकते हैं इसके टारगेट जो कि इसने अभी अभी अचीव किया था गाइस वो 238 का इसने किया था। और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो आप इसके सेकंड टारगेट जान सकते हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ वो 251 का बन रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने अभी 52 वीक हाई जो है इसने अभी अभी यानी कि कुछ दिन पहले ही अचीव किया है। तो मैं आपको इसका बता दूं डेट गाइस 15 जून को इसने 52 वीक हाई भी अचीव किया है और आप देख सकते हैं इसने 251.50 का हाई बनाया था, यानी कि इसका सेकेंड टारगेट गाइस आप कह सकते हैं इसने इसका हाई बनाया। तो गाइस अभी भी इसने हाई बनाया है तो थोड़े आपको शेयर जो है डाउन देखने को मिल सकते हैं जो कि आपको मिल रहे हैं गाइस, थोड़े बहुत का बीच में कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है लेकिन अभी शेयर जो है काफी डाउन में ही चल रहा है। तो गाइज अगर बात करें RSI के सिग्नल्स की तो आप देख सकते हैं गाइज मैंने RSI लगा रखा है और ये RSI का ग्राफ लगाया हुआ है। गाइज आप देख सकते हैं RSI जो है आपको ये सेल का सिग्नल 15 जून को ही प्रोवाइड किया था जो कि आप देख सकते हैं इसने 52 वीक हाई भी उसी दिन बनाया था गाइज, उसके बाद अभी इसने आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया गाइज। और आप देख सकते हैं रेगुलर आपको ये 28 जून तक वापस आने के बाद आपको इसने बाई का सिग्नल प्रोवाइड किया गाइज और अभी तक ये क्लियरली बाई का ही सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। और लेकिन आप देख सकते हैं कैंडल सी गाइज आपको ये क्लियरली सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है यानी कि बीयरिश कैंडल प्रोवाइड कर रहा है गाइस, लेकिन RSI आपको क्लियरली बाई का ही सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस RSI का कंफर्म सिग्नल के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं गाइस यानी कि अगले दिन के कैंडल का, और आप पता कर सकते हैं कि अगले दिन कौन से क्लियरली आपको सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट डे सेंटीमेंट के लिए आप RSI चार्ट को अपने RSI का जो पावर ग्रिड का चार्ट ओपन कर गाइस आप RSI के इंडिकेटर को यूज जरूर करें और पता कर सकते हैं। तो गाइस अगर MACD की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने MACD का चार्ट लगा रखा है गाइस, आप देख सकते हैं ये ग्राफ गाइस MACD का है जो कि MACD ने आपको 18 जून को सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया था और गाइस अभी तक ये रेगुलरली वन डे कैंडल के साथ जो है आपको सेल का सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस आपको पता है कि MACD वन डे कैंडल के साथ लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है इसलिए हम इसे 4 आवर में कन्वर्ट करके जरूर चेक करते हैं। तो देखिए गाइस मैंने इसे 4 आवर में आपके सामने ही कन्वर्ट किया और आप देख सकते हैं क्लियरली गाइस इसने आपको सेल का सिग्नल जो है 4 आवर में 16 जून को प्रोवाइड किया था और गाइज ये अभी तक रेगुलरली सेल का ही सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है गाइज, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे MACD लाइन और जो सिग्नल लाइन है एक साथ अभी चल रही है। तो गाइज यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो पा रही कि ये अगले दिन कौन सा सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है। तो फिलहाल गाइज एक तरह से आप इसको सेल का ही सिग्नल कह सकते हैं क्योंकि कैंडल स्टिक भी काफी क्लियरली आपको बीयरिश का ही प्रोवाइड कर रही है। तो गाइज अगले दिन कैंडल का वेट करें और सिग्नल्स का वेट कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट डे चार्ट पर फोकस जरूर करें। और गाइज साथ ही साथ आप MACD इंडिकेटर और RSI इंडिकेटर यूज करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे वीडियो बने रहने के लिए थैंक्स गाइज, इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि गाइज हमारे जो लगातार अपडेट्स आते रहते हैं जो नए नए वीडियोज में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।